चुम माय चैनल पॉलिश क्रिएशन। कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और ये बहुत ही रिक्वेस्टेड एक वीडियो मैं बना रही हूँ सुबह, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मैं एवरी वीडियो में बोलती हूँ मेरे अलमीरे देख रहे हो खुला है, तो उसका जो हालत है बिल्कुल खराब है, तो आज उसको मैं ऑर्गेनाइज करूँगी। और इसी बहाने मैं आप लोगों को मेरा जो ब्लाउज एंड ब्रा का कलेक्शन है वही मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो मेरे साथ बने रहो और देखते रहो। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल में नए हैं ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। और जो मेरा चैनल मेंबरशिप लेना चाहते हो वहाँ पर ज्वाइन बटन है, तो ज्वाइन हो जाओ। तो चलो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरा ये जो ब्लाउज एंड ब्रा का कलेक्शन है वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, इतना देख लिया आप लोगों ने पहले क्या हालत है, क्योंकि जो पेयर है ना साड़ी के साथ वो मैं जब मुझे चाहिए होता है तब मुझे नहीं मिलती, तो थोड़ी देर दिन बाद ही मेरा ये सब उलट पुलट हो जाता है, 10 से 15 दिन बाद ये तो बिल्कुल उलट पुलट हो जाता है। तो ब्लाउज का कलेक्शन मैं दिखा रही हूँ, मेरा रेड ब्लाउज ही बहुत सारा रेड का कलेक्शन है। कहाँ कहाँ है दिखा रही हूँ, 1 सेकेंड। अभी देखो मैंने तो सारे ऑर्गेनाइज किया, वही मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। मेरा ब्लाउज सेक्शन एंड पेटीकोट का सेक्शन पहले, फिर बाद में ब्रा का कलेक्शन मैं दिखाऊंगी। ओके, ये व्हाइट, ये लाइट ग्रीन, ये पिंक, इसके ये ग्रीन, ये ऑरेंज, यहाँ पर है 2 येलो, ये ब्लैक, ये लाइट क्रीम, यहाँ पर भी है ऑरेंज, ये वाइट, ये क्या बोलूँ क्रीम, हल्का लाइट क्रीम है, ये मैरून है, ये ब्लू है, ये भी मैरून है। तो ये है मेरा पेटीकोट का सेक्शन, और भी है ज़्यादा मगर ये बाहर है, वो मैं नहीं लेके आई बाहर जो जो है। तो ये मेरा अलमीरा में रहता है इसलिए ये वाला इधर रख के मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। और ये है मेरा ब्लाउज का कलेक्शन इधर, और भी बाहर है, इधर से ढेर सारा, ये सारे ब्लैक कलेक्शन। तो ये है मेरा ब्लाउज का कलेक्शन, और बाहर बहुत है, बाहर जो है ना मैं उसको नहीं लेके आई, अलमीरा में जो रहता है वही मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो अभी ये है मेरा ब्रा का कलेक्शन, वही मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलो ये तो हो गया, मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया, क्योंकि बहुत टाइम लगता है जो ब्लाउज़ है उसको फोल्ड करने में। ठीक है, तो ये है मेरा ब्रा का बहुत सारा ढेर सारा कलेक्शन, और भी है मैं सब दिखा रही हूँ। सो इतना सारा ढेर सारा। तो अभी जो ये देखो, ये बहुत अच्छा कंफर्टेबल ब्रा है, ये इसको पुश अप ब्रा बोलते हैं। ठीक है, पुशअप ब्रा, इसका प्राइस भी बहुत काफ़ी है, काफ़ी क्या बोलूँ, काफ़ी प्राइस है, 2200 का है। सो एक एक करके मैं बताऊँगी, थोड़ा पहले पुशअप ब्रा दिखा रही हूँ उसका कलेक्शन। ये भी है पुशअप ब्रा, बहुत कंफर्टेबल एंड बहुत ही सुंदर है, मुझे बेहद पसंद है ये। ये दोनों का प्राइस सेम है,
2,200 सो बहुत सुंदर है इसका, जो क्या बोलूँ, इसका फीलिंग्स बहुत अच्छा है। और ये है एक स्ट्रैपलेस ब्रा, क्योंकि बहुत सारा ड्रेस होता है यहाँ पर जो स्ट्रैप रहता है, तो तब मैं ये पहनती हूँ स्ट्रैपलेस। तो बहुत सुंदर है, इसका प्राइस भी है 1800, ठीक है, इसका प्राइस भी है 1800। सो ये देखकर ही पता चलता है कितना कंफर्टेबल एंड बहुत ही सुंदर है। देखो यहाँ पर स्ट्रैप दे दिया है, अगर मुझे चाहिए तो यहाँ पर मैं लगा सकती हूँ, एक्स्ट्रा दे दिया है। और ये है एक ब्लैक का कलेक्शन, बहुत ही सुंदर, इसका रेंज भी ऐसा ही है, ठीक है, अलग से बोलने की जरूरत तो है नहीं। ये है एक ब्लाउज टाइप ब्रा, बहुत सुंदर है, देखो ओके। इसका रेंज है 1560 रुपीज, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर, मुझे बेहद पसंद है ये। मुझे और भी कलर चाहिए था, मगर वहाँ पर जहाँ से मैं खरीदारी किया वहाँ पर एक ही कलेक्शन था, ये कैसे होता है, वन कलेक्शन था, एक ही चीज था, ये मुझे बेहद पसंद है ये वाला। ये सिर्फ साड़ी के ऊपर पहनने से हो जाता है। और ये है देखो, ये भी पुशअप ब्रा है, बहुत सुंदर है, कंफर्टेबल, इसका प्राइस भी वैसा ही है, सोच लो प्राइस अलग से नहीं बोलना है कि इसका थोड़ा ज़्यादा है, डिज़ाइन भी अलग है, तो इसका प्राइस क्या बोलूँ, 2,500 रुपये है। और ये तो मैंने पहले भी दिखा चुकी, ये मेरा एक कलेक्शन है पर्पल कलर का, पैडेड है। और इसका प्राइस सबसे हाई है 4,500 रुपये। ये बहुत ही खास, बहुत ही सुंदर और बहुत कंफर्टेबल है, और इसका सबसे हाई रेंज है 4,500 का। और ये भी एक पुशअप है, पुशअप ब्रा, ये भी पुशअप ब्रा। और कहाँ है, और नॉर्मल जो है ये बिल्कुल ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी जो है, यहाँ पर कोई पैडेड वगैरह कुछ नहीं है, इसका रेंज भी उतना नहीं है। ऑर्डिनरी है, ये भी ऑर्डिनरी है, इसको नहीं दिखाऊंगी मैं। और इसके साथ मैं दिखाऊंगी एक दो बेबी डॉल ड्रेस, ये है और एक ये है, दो है मेरे पास। Same to same. और ये नया, बिल्कुल नया कलेक्शन मैंने खरीदा, ये नीचे पहना जाता है ऐसे,
ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, नीचे पहना जाता है, उसके साथ जो ऊपर का है वो है ऐसा, ठीक है, ऊपर में ये पहना जाता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ऐसे, ये मेरे दो आ गया, सेम टू सेम दो है मेरे पास। ये दो कलेक्शन, ये ऊपर है ये नीचे है, और इसके साथ ये है पेयर। तो ये था मेरा कलेक्शन, और एक है, सॉरी, ये भी स्ट्रैपलेस है, सिर्फ पहना जाता है। अगर कोई ड्रेस आपको ऊपर का हिस्सा खुला है तो फिर ये पहना जाता है। इसका तीन पेयर है मेरे पास, अलमीरा में है और नहीं निकाली, एक सामने था मैं दिखा दिया। इसका थ्री पेयर्स है, और क्या है, कुछ है क्या मेरे तिजोरी में, और भी है नहीं, और क्या क्या है, ये भी है एक एक करके निकल रहे हैं, बिल्कुल ऑर्डिनरी है, ये मैं नहीं पहनती, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, दे दूंगी किसी को, दे दूंगी। चलो, ये खिचड़ी पका हुआ है मेरा, खिचड़ी। तो मेरा ब्रा का कलेक्शन आप लोगों ने देख लिया, ये है देखो, दुकान दे दूंगी मैं। कितना सारा, इतना सारा कौन पहनेगा, नहीं मैं पहनती हूँ सच्ची, देखो बहुत सारा कलेक्शन है मेरे पास, तो एवरी कलर का है, बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन है मेरा, मैं बहुत खुश हूँ इससे लेकर। तो चलो फ्रेंड्स, आज का तो मैंने दिखा दिया मेरा ब्लाउज, पेटीकोट एंड ब्रा, जो आप लोगों को बहुत बार बोले हो कि आप इस पर एक वीडियो बनाओ, तो मैं नहीं बना पाती थी क्योंकि वो उधर ऑर्गेनाइज करना बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं सोची ना, मुझे कुछ मिलता नहीं है तो मैं इसको ठीक ठाक कर लूँ, इसलिए मैं इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए सोची कि मैंने अलमीरा का जो ब्लाउज वाला सेक्शन है, पेटीकोट वाला सेक्शन है, उसको मैं ठीक ठाक करके रख दूँ। सो इसलिए मैंने आज ये कलेक्शन दिखा दिया आप लोगों को। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर बताना मुझे, ओके। देन आज के लिए मैं क्या बोलूँ, अभी के लिए टाटा बाय बाय बोलूँ, ओके चलो, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।